Hello students, welcome to the 31st class on current affairs. And in today's class, I will be dealing with the issue of floods in Kerala. Now, from examination point of view, this class will help you in general studies mains paper 1 plus paper 3. Plus, this is also very important from prelims point of view. Now, when it comes to floods in Kerala, it has caused a lot of havoc and it has created a big natural disaster in India. Now, why this disaster has taken place? What is the reason for the disaster? The reason for the disaster is over anthropocentrism. It means that there has been overindulgence of man with respect to environment. एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस हो गया है आदमी का. उसी की वजह से हमने जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है केरला का उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है. एंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट जितना भी अब नेचुरल इवेंट्स हैं दे आर एक्चुअली बिकमिंग नेशनल डिजास्टर. इसको समझने के लिए कि फ्लड्स क्यों आया, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया वहां पे, एंड हाउ मैन हैज प्लेड हैवॉक विद द नेचुरल सिस्टम, वी नीड टू अंडरस्टैंड टू रिपोर्ट्स. फर्स्ट इज गाडजिल रिपोर्ट एंड सेकंड इज कस्तूरीरंगन रिपोर्ट. दो रिपोर्ट्स को समझेंगे हम. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, नाउ गाडजिल, he was an ecologist from Pune and he was appointed by Jairam Ramesh way back in 2010 to analyze and assess how we can preserve the biodiversity of Western Ghats. Western Ghat ki biodiversity ko kis tarah se preserve kar sakte hain. To Gadgil ne ek report tayar kiya government ko, 2011 mein wo report submit kiya. Us report mein Gadgil ne kaha कि 1,20,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, उसका प्रिजर्वेशन चाहिए, प्लस वहां पे कोई माइनिंग नहीं होना चाहिए, प्लस वहां पे कोई भी रिवर डैम कंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए. ये सब रिकमेंडेशन दिया गाडजिल ने एंड द रिकमेंडेशंस वर फॉर 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर. But government had failed to accept these recommendations because there was a lot of pressure that was mounted by the five states through which the Western Ghats traverse. Jin states se Western Ghat guzar ke jata hai, to un states ne bahut zyada repulsion shuru kar diya. Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala. Kerala was one of the states. Gadgil ne kaha tha ki Kerala mein bhi ek bahut bade area ko इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो गाडजिल इट सेड दैट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन. नो व्हेन यू विल डिक्लेयर अ एरिया एज इको सेंसिटिव जोन, इन दैट केस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय द स्टेट्स. स्टेट्स को यह पसंद नहीं था. उसके बाद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नया कमेटी सेटअप किया अंडर कस्तूरीरंगन, और कस्तूरीरंगन कमेटी को कहा गया दैट दे शुड बी एनालाइजिंग गाडजिल कमेटीज रिकमेंडेशंस. कस्तूरीरंगन ने कहा कि इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग जस्ट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया, इफ वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दिस एंटायर एरिया वी शुड एक्चुअली स्टडी मोर एरिया. So he has taken into consideration about 1,60,000 square kilometer of the area. And according to Gadgil, about more than 65% of the area is cultural area. And it is only the 35% of the area that should be declared as eco-sensitive zone, ecological sensitive zone. So lagbhag jo recommendation kiya Kasturirangan ne, it was about 59,000 square kilometer of the area should be declared as इको सेंसिटिव जोन. कि इतने एरिया में ना तो माइनिंग होगा, ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटी होगा, बैन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा,
मिसयूज ऑफ प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में लिखा गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया तो गवर्नमेंट ने इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इवन 59,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया, गवर्नमेंट हैज जस्ट डिक्लेयर्ड 58,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। नाउ फॉर द एग्जैक्ट फिगर्स यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन इन द यूट्यूब वीडियो। नाउ फॉर एवरी वीडियो दैट वी डू देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन द यूट्यूब वीडियो सो दैट इट कैन बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर टॉपिक। नाउ व्हाट इज द बिग इशू? The big issue is if we will not be respecting the environment, if we will not be respecting the nature, nature will not respect us. So if we want to have respect from the nature, we must accord a lot of respect for the nature. So we should stop anthropocentrism. That is something that will help us to live in synchronization with the nature. So this was all for the class. In case you have any sort of doubt from this class, you can contact us directly at 84594-0000. My team will get in touch with you. So this was all for the day. And do share this video and do subscribe to this channel. Name of the channel is Brainy IAS. Bye bye. Take care. Have a nice day.